झारखंड में लोकसभा की 14 में से 4 सीटों पर आज से चुनावी दंगल शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही लू के थपेड़ों से बीच इन इलाकों में सियासी पारा और तेजी से बढ़ेगा। झारखंड में पहले चरण की 4 संसदीय सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न दलों के प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो जाएगा। 25 अप्रैल तक नामांकन होगा। नामांकन पत्रों की जाँच 26 अप्रैल को होगी। वही 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। अब इन चारों सीटों पर 13 मई को मतदान होगा, जो कि एनडीए और इंडिया गठबंधन ने इन 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोहरदगा में नामांकन से सुखदेव भगत, बीजेपी से समीर उराव मैदान में हैं। पलामू से आरजेडी की ममता भुया, बीजेपी के बीडी राम और सिंहभूम सीट पर बीजेपी से गीता कोड़ा, जेएमएम से जोबा मांझी और खूंटी से बीजेपी ने अर्जुन मुंडा, तो कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा कई छोटे दल और निर्दलीय भी मैदान में कूदने को तैयार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।